लॉकडाउन चरण से अनलॉक तक के सफर में राज्य में सभी गतिविधियों को सुचारू करने हेतु सरकार ने समय समय पर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अभी तक मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मंदिरों को खोलने का निवेदन लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज नालासोपारा पश्चिम के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भव्य सामूहिक आरती का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भगवान की आरती की गई। मौके पर बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगवान की आरती करते हुए सरकार से मंदिरों को खोलने का आग्रह किया। शांतिपूर्ण तरीके से महाआरती विश्व हिंदू परिषद जो क्षेत्र है हमारा पूरी क्षेत्र की तरफ से हुई है और ये सारे महाराष्ट्र में एक दिन पर निश्चित किया गया। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक ये महाआरती का कार्यक्रम जो आपने देखा है। विषय ऐसा है कि हम महाराष्ट्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जब आपका अनलॉकडाउन प्रोसीजर शुरू हुआ है और सारे चीज खुल गया है, अपने दारू का दुकान से लेके सारे चीज़ आप, तो मंदिर खोलने में आपको कठिनाई किस चीज़ का है? अगर मंदिर खोलने में ऐसा कुछ कठिनाई आप तो बताइए, अब वो भी हिंदू समाज को बताता नहीं है और हिंदू समाज का समाधान नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जब अभी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक ये संदेशा पहुँचाने की कोशिश की है कि अब आउट हो गया है, अब मंदिर खोलो। आज की ये महाआरती हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, प्रधानमंत्री हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय, उनको संदेश देने के लिए कि हम सब मिलके ईश्वर के जो द्वार है, जो बंद है, उसको खोलने की हम गुहार लगा रहे हैं। उसी लिए ये महाआरती आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बच्चों ने मिलकर किया। सरकार से यही मांग है कि अनलॉकडाउन चरण एक में जो आपने चाहा वो ओपन हुआ, हमने मान्य किया। अनलॉकडाउन चरण दो हुआ, उसमें भी जो आपने चाहा उसके लिए भी हमने मान्य किया। मगर अब जब सब कुछ ओपन हो चुका है तो फिर हमारे प्रभु श्री राम का, हमारे प्रभु श्री हरि का मंदिर क्यों नहीं खुलता? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर अगर मंदिर बंद रहेंगे तो फिर लोग सत्य का संग, ईश्वर के नामों का सिमरण कैसे ले सकेंगे? ईश्वर आस्था जो है हमारे प्रभु राम के प्रति आस्था, प्रभु श्री हरि के प्रति आस्था है, वो आस्था का क्या होगा? इसीलिए हम सब मिलके ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारी गुहार है हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, राज्यपाल जी से कि इस जल्द से जल्द गाइडलाइंस के आधार पर मंदिरों को भी ओपन किया जाए। क्योंकि आप देखिए बिहारी जी का मंदिर जहाँ पे पूरे विश्व के बच्चे आते हैं, बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में ओपन हो चुका है, राधा रमण जी का मंदिर ओपन हो चुका है, पूरा ब्रज ओपन हो चुका है, फिर हमारे मुंबई महाराष्ट्र के मंदिर क्यों बंद है? इसीलिए हमारी ये विनंती है इन पद अधिकारियों से कि कृपया करके इन मंदिरों को ओपन करें।